फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, मैं हूँ अभी सऊदी अरब में। यहाँ का टाइम हो रहा है 9:46 यानी 9:46, ठीक है। तो आज का टॉपिक है वो है यूएई जॉब्स के बारे में। जी हाँ, दुबई का अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, वो भी फ्री रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को भी मालूम है कि जितना मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में ही बताता हूँ, ताकि जो भी हमारे गरीब भाई लोग हैं, पुअर मैन है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है ना, वो लोग का फ्री में फ्लाइट हो, यानी कि जिसके पास एक भी रुपया नहीं है पैसा भरने का, वो लोग का भी फ्लाइट हो, वो लोग का भी सपना पूरा हो, ड्रीम पूरा हो, वो लोग भी विदेश में जाए, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, और जाकर पैसा कमाए। यहाँ तक कि गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री का भी मैं फ्री रिक्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ जॉब का, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है दुबई ड्राई डॉक कंपनी का रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्वायरमेंट। एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, ना ही वीज़ा का पैसा लगेगा, ना ही टिकट का पैसा लगेगा, ना ही मेडिकल का पैसा लगेगा, और ना ही फ्लाइट का पैसा लगेगा। बस सर, जो ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, जो जॉब का रिक्वायरमेंट है, उस जॉब में आपका उस ट्रेड आपका है तो, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, तीन चार टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ड्राई डॉक कंपनी कैसी है, इसके बाद से क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट है और किस डेट में रिक्वायरमेंट है, और ऑफिस कौन सी ऑफिस है, यानी कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ मैं बता दूँगा, जो भी ऑफिस के बारे में बताता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस रहती है। जी हाँ, कोई भी छोर ऑफिस का मैं प्रचार या प्रसार नहीं करता हूँ। जो भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंसी ऑफिस रहती है, जो जेन्युइन फ्लाइट कराती है, जिसमें आप पासपोर्ट दे दिए तो आपका 100% फ्लाइट होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में फ्लाइट होगा और कम पैसे में, कम चार्ज में फ्लाइट होगा। अगर पासपोर्ट जमा किए तो आपका 100% फ्लाइट होगा, क्योंकि आज के डेट में इतना लोग, इतना लाखों ऑफिस खुल कर बैठे हैं, समझ लीजिए, और पासपोर्ट ले लेते हैं, मेडिकल करा लेते हैं, और मेडिकल करा के पैसा बांट लेते हैं। बताइए, एक मेडिकल का 3,000-4,000 रुपया लगता है, अगर 200 बंदे का भी फ्लाइट कर मेडिकल कराएं तो बताइए कितना लाख रुपया हो गया, ठीक है ना। दो दिन में इंटरव्यू लेना है और मेडिकल करा कर बोलते हैं कि गेम फेल हो गया, ठीक है ना। कितना लोगों का तो पासपोर्ट फंस जाता है, पासपोर्ट भी नहीं देते हैं एजेंट वाला, ऑफिस वाला दौड़ाते हैं, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं जो भी ऑफिस के बारे में बताता हूँ, ये सब इंडिया गवर्नमेंट का लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटे दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूंगी ड्राई डॉक कंपनी कैसी है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि कोई भी कंपनी का सटीक जानकारी, सटीक इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो उस कंपनी में काम किया हो, ठीक है ना। उस कंपनी में काम किया हो उसको मालूम रहेगा, या वो कंट्री में काम किया हो, उसके अगल बगल में कंपनी हो तो जानकारी रहेगा कि ये सप्लाई कंपनी है, या कंपनी है यानी कि कंट्रैक्टर है, या सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। सब कॉन्ट्रैक्टर यानी सप्लाई कंपनी, ठीक है ना, जिसमें एक जगह काम फिक्स नहीं रहता है। आज ये कंपनी में, कल वो कंपनी में, परसों वो कंपनी में, ना सैलरी टाइम टू टाइम रहता है, ना खाना फ्री का खाना रहता है, यानी कि फ्री फूड नहीं रहता है, फ्री अकोमोडेशन नहीं रहता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं रहता है कोई कोई कंपनी में, ठीक है ना। तो मैं ये जो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ये कंपनी है, यानी कि कंट्रैक्टर है। जी है, आपको डरने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है, यानी कि कंट्रैक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। इसका फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड, मैं सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट मेरा फ्लाइट हुआ था वो दुबई में फ्लाइट हुआ था, ठीक है ना। और मैं सबसे पहले लंपरेल कंपनी, जो भाई लोग दुबई में काम किए उनको मालूम है, लंपरेल कंपनी में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो हमको मालूम है वहाँ की सारी कंपनी के बारे में, कौन कंपनी है, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ठीक है ना। तो डैक डैक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसका फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे यहाँ पे बैग्स का है, हम लोग जो कंपनी में है, इसका जो जैसे वाईफाई फ्री है, रूम का अकोमोडेशन फ्री है, खाना कंपनी की तरफ से है, ठीक है ना। जैसे अभी खाना का टाइम होगा, मैं थाली उठाऊंगा और मेस हॉल में चला जाऊंगा और खाना खा के चला आऊंगा, ऐसे ही शाम को, इवनिंग को, ठीक है ना। तो यानी कि आपको खाना बनाने का टेंशन नहीं है। तो अब ये जान लीजिए कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है ड्रैग डॉक कंपनी, ठीक है ना। तो इसी का रिक्वायरमेंट है, और जो रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, जो भाई लोग स्टेट से हैं उनका एक भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि फ्री वीज़ा, फ्री टिकट और फ्री मेडिकल और फ्री में फ्लाइट होगा। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले है डक्ट फैब्रिकेटर, जी हाँ, डक्ट फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इंसुलेटर चाहिए, जी हाँ, इंसुलेटर का भी रिक्वायरमेंट है। पाइपिंग और वेसल, जी हाँ, इंसुलेटर जो चाहिए वो पाइपिंग चाहिए और वेसल दोनों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। डक्ट फैब्रिकेटर, एसएम पाइपिंग और वेसल, ये इसका भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद इंसुलेटर चाहिए, पाइपिंग और वेसल का। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का भी रिक्वायरमेंट है, जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है, मेरिन का, ठीक है ना। इसके बाद टेक्नीशियन चाहिए, ई एंड आई, जी हाँ, ई एंड आई का भी टेक्नीशियन चाहिए। इसके बाद अगेन दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है HVAC टेक्नीशियन, जी हाँ, HVAC टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद मैकेनिकल चाहिए, ठीक है ना। कारपेंटर चाहिए, फर्नीचर और फिनिशिंग, बहुत से हमारे भाई लोग
फिनिशिंग का पूछते हैं कि रिक्वायरमेंट बताइए सर, तो देखिए अभी फिनिशिंग कारपेंटर का रिक्वायरमेंट आ चुका है, वो भी फ्री रिक्वायरमेंट दुबई के लिए, ठीक है ना। अभी कल भी भाई हमारे कमेंट किए थे कि फिनिशिंग कारपेंटर का रिक्वायरमेंट बताइए, तो देखिए अभी फिनिशिंग कारपेंटर का रिक्वायरमेंट आ चुका है, फ्री रिक्वायरमेंट, ना ही वीज़ा का पैसा लगेगा, ना ही टिकट का पैसा लगेगा, ना ही मेडिकल का पैसा लगेगा, और ना ही फ्लाइट का, टोटल फ्री में फ्लाइट होगा, ठीक है ना। इसके बाद फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है, फोरमैन में दो ट्रेड का है, मेसन और टाइल मेसन, ठीक है ना। मेसन और टाइल मेसन यानी टाइल्स, देख रहे हैं ना, ये जो टाइल्स है टाइल्स मेसन चाहिए, और मेसन ये जो प्लास्टर मेसन जो जिसको हम लोग राजमिस्त्री बोलते हैं, इसका भी फोरमैन चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद से प्लम्बर का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्लम्बर का भी रिक्वायरमेंट है, और कारपेंटर फिनिशिंग और फर्नीचर इसका भी फोरमैन चाहिए, ठीक है ना, इसका भी रिक्वायरमेंट है। तो ये ट्रेड्स का रिक्वायरमेंट है, जो ऑफिस है, ऑफिस में बता दूँ सीगल इंटरनेशनल, जी हाँ सीगल इंटरनेशनल इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट। फ्रेंड मैं क्यों बता दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, यानी कि एक भी रुपया बंदे का नहीं लगता है। जो ये ट्रेड का मैं बताया उसमें अगर आप हैं तो आपका बिना पैसे का फ्लाइट होगा, ठीक है ना। बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं ना कि सर बताइए हम लोग गरीब हैं, हमारे पास एक भी रुपया नहीं रहता, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ फ्री रिक्वायरमेंट का, ठीक है ना, कि जो भी हमारे गरीब भाई लोग हैं उनका फ्री में फ्लाइट हो, अगर जिसके पास एक भी रुपया पैसा भरने का नहीं है। तो सीगल इंटरनेशनल LLP मुंबई की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, मुंबई की नहीं इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्वायरमेंट। तो ध्यान से सुनिए, आप इसका मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ, तो 405 वेलिंगटन बिजनेस पार्क, जी हाँ 405 वेलिंगटन बिजनेस पार्क सेकेंड, नियर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन रोड अंधेरी, जी आप इसका ये एड्रेस एक बार और अगेन सुनिए, 405 विलिंगटन बिजनेस पार्क सेकेंड, नियर मेट्रो स्टेशन रोड अंधेरी, ठीक है ना। ये आप इसका एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर भी लोड कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट आएगा तुरंत वीडियो अपलोड करने के बाद। कॉन्टेक्ट नंबर है 02-46-16-2271, 02-46-16-2271। अगर 71 लास्ट में नहीं लगेगा तो 72 लगाइएगा, 72 नहीं लगेगा तो 73 लगाइएगा, ठीक है ना। ऑफिस का टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ 10 बजे से लेकर सुबह में 10 AM to 6 PM, यानी कि 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, लंच टाइम में कॉल मत कीजिएगा, जो लंच टाइम है वो है 1 o'clock to 2 o'clock, यानी कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करते हैं कि हम लोग कॉल किए वो लोग रिसीव नहीं किए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सुबह में 10 बजे के पहले आप इसमें कभी कॉल मत कीजिएगा, हो सके तो 10:30 पे यानी कि 10:30 के बाद ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद ऑफिस वाले आते हैं, ठीक है ना, ऑफिस 10 बजे खुलता है, ठीक है ना। तो ऑफिस 10 बजे खुल जाता है, लेकिन ऑफिस के कर्मचारी जो है ना सीनियर पर्सन, वो लोग 10 बजे के बाद ही आते हैं, 10:30 बजे तक आते हैं, ठीक है ना। तो 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, और 10 बजे के पहले कॉल मत कीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, आप जो भी वाले स्टेट से हैं, एक चीज़ मैं बता दूँ, वॉल्क इंटरव्यू 2, 3, 4 मई, यानी कि 2 मई, 3 मई और 4 मई को शॉर्ट लिस्टिंग ऑफिस का चलेगा। शॉर्ट लिस्टिंग में ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस फोटो चाहिए, ऑफिस पर जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिएगा। बिना शॉर्ट लिस्टिंग का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं दे सकते, ठीक है ना। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 5 मई को होगा, 5 मई 2024 को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पे होगा, वो कहाँ पे, तो अनूप टेक ऑफिस में, जी हाँ, जो भाई लोग मुंबई में अगर इंटरव्यू दिए हैं उनको मालूम होगा, अनूप टेक ऑफिस का मैं एड्रेस भी बता दे रहा हूँ, अनूप टेक ऑफिस R84 रवाले नई मुंबई, ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो जो भाई लोग स्टेट पे ट्रेड से हैं अपना ऑफिस पे जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग कराएंगे तभी तो आपका 5 मई को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू। ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।